खून से लिखी हुई कहानी है। अगर आगे बढ़ाना है फिर से खून ही मांगेगी। There will be no more tolerance. को रोकने वाला है सुल्तान, सालिमों से रिहा करवा है सुल्तान, आका गोला बन के आओ यहाँ, आगियों को रोकने वाला है सुल्तान। इनायत खलील के पास जाकर बिजनेस डील की, एंड देन ही टुक बैक द वेस्ट कोस्ट विद स्टाइल। हेलो, फोन आया था, ट्रक्स को वहां का भेजने के लिए रेडी करना है। लेकिन वहां केजीएफ में अधीरा इंतजार कर रहा है ना? ये फिर आ गया। रॉकी दुबई गया था दो वजह से। दूसरी वजह क्या है? वो बहुत पैसे लेकर गया था ना। बट वॉजंट दैट एन एडवांस फॉर द गोल्ड इनायत खलील वाज सेंडिंग? नो। देन व्हाट वाज इट फॉर? कालाश्निकोव। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. तो क्या वो इतना बड़ा हो गया था कि किसी में उसे छूने की हिम्मत भी नहीं थी? Gravitational power. Gravitational power? अरे भाई gravitational power. तू confuse मत हो, उसमें भी दो किस्म के हैं। न्यूटन की ग्रेविटी में एप्पल्स नीचे गिरते हैं, रॉकी की ग्रेविटी में पीपल्स ऊपर जाते हैं। ए अनिल, क्या कर रहे हो? द नो कॉन्फिडेंस मोशन विल बिगिन नाउ बाय शो ऑफ हैंड्स। दया, वांट अ ड्रिंक? क्या हुआ? जिन जिन की तबीयत अच्छी है वो हाथ ऊपर उठाए। अबे वो खेल रहा है, छोटे बच्चे खेलते हैं ना, पिट्ठू का खेल। ऑल अगेंस्ट। याद रहे, हर जगह हाथ ऊपर उठाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। वो पहले बॉक्स बना के फिर उसमें पत्थर डाल के खेलते हैं, लेकिन वो जहाँ मर्जी वहाँ पत्थर फेंक के उसके चारों तरफ बॉक्स बना लेता है। आज के इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के वोटिंग का फैसला भारी बहुमत से रूलिंग पार्टी के फेवर में आया है, इसलिए ये सरकार बेझिझक आगे भी राज करेगी। आजकल मछली बंसी डालने वाले को ही निगल रही है। बंसी डालने वाले को निगल रही है। बड़ा टुकड़ा मत निकालो। अगर नहीं निकाला तो दर्द और बढ़ेगा सर। होने दो दर्द, मैं चाहता हूँ कि हर दिन मुझे दर्द उसकी याद दिलाए। बाकी टुकड़े निकाल दो। मौत और दर्द की चीखों के बीच निशब्द खड़ा था एक भरोसे का पहाड़।
पठान। हाँ भाई। डेड यू मिसिंग मी? ओ भाई। आने वाले जनरल इलेक्शंस में रमी का सेन ऐतिहासिक आंकड़ों से जीत हासिल करेगी, उसे रोकना होगा तुम्हें। गलत मत समझिए, ऐसा नहीं है कि खून की प्यास कम हो गई है मुझ में। क्रिमिनल्स के भी कुछ उसूल हो तो अच्छा है। औरतों और बच्चों को छूने का नहीं। तेरी कहानी की शुरुआत अच्छी है, खत्म वो करेगी। रहने दीजिए, एंडिंग में कुछ एक्शन हो तो अच्छा ही है। मेरी बात मान, उसे छोड़ना मत, उसका क्रोध तू नहीं जानता। इतिहास और पुराणी कहते हैं, औरत क्रोधित हो तो हाथ नहीं उठाते, हाथ जोड़ते हैं। जितनी बाधाएं थी उन्हें पार करके उसने सब कुछ तो हासिल कर लिया ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है? Yes, Rocky had built for himself the most indestructible empire on earth. But there was one person, only one person, who could bring him and KGM down. मैं वी नीड टू फायर द होम मिनिस्टर। मैडम, लेकिन उनको बाकी लोगों का बहुत सपोर्ट है मैडम। देन आई थिंक वी नीड टू फायर द एंटायर कैबिनेट। आर यू ट्राइंग टू टेल मी हाउ टू रन दिस कंट्री? ऑफ कोर्स नॉट। हर एक सरकारी दफ्तर में अपने क्षमता से बढ़कर काम करते थे। She was ruthless. She was unforgiving. She was a dictator. She was here to bring hope. And she was here to bring a change. Madam, I'm trying to meet you for the last few days, madam. Yes, Raghavan. Kalra ji ne bataya. आपका कुछ प्रॉब्लम है? मैडम, उसी के बारे में मैं आपसे। कालरा जी, हमारे स्पेशल फोर्सेस स्टेशन है। यस मैडम। डू वन थिंग, सेंड देम टू दिस केजीएफ। नहीं, श्योर मैडम। दैट शुड हैंडल योर प्रॉब्लम। नो मैम, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट केजीएफ मैम। मे बी लेटर राघवन। मैडम, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट रॉकी। आई हैव बिगर नेशनल इश्यूज टू डील विद राघवन। ऐसे छोटे छोटे गुंडों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। दिस इज अ स्टेट मैटर एंड दे विल हैंडल इट। नो, जस्ट 5 मिनट्स मैम, प्लीज मैम। 25 साल से केजीएफ के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन आप जैसे पीएम आएंगे और उस पे एक्शन जरूर लेंगे। 10 मिनट्स दीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सिर्फ करना ही नहीं, 21 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज के लिए भी वही गुंडा है। ही इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, ही इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन, दिस इज द बिगेस्ट नेशनल इश्यू एंड ओनली यू कैन हैंडल इट। मैम, रॉकी कभी कहीं दिखाई नहीं देता, आज तक उसका एक फोटो भी नहीं है, लेकिन उसका नाम चारों तरफ है। रमेश। मैडम, 10-11 प्लेन्स, 100 से ज्यादा बोट्स, सारे पोर्ट्स पर कंट्रोल, रिफाइनरी के साथ देश के सारे बड़े बड़े ज्वेलर्स का एक्सेस है उसके पास। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स अर्लियर ऑन। शहर में नया था इसलिए उसको मारा, खाते वक्त मारा, सोते वक्त मारा, सर उठा के देखा तो मारा, उल्टा जवाब दिया तो मारा, सीना थांग के खड़ा हुआ तो मारा, लेकिन एक दिन उसने मारा। तब से उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। जो स्पेशल फोर्सेस आपने भेजे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी सेना है। आसपास के इलाके में 15 लाख लोगों के लिए वो है। इन दीवारों को तोड़ के उस तक पहुंचने के लिए पहले उन 15 लाख लोगों को पार करना होगा। वो मरेंगे,
या मारेंगे, लेकिन रॉकी को छूने भी नहीं देंगे। कुंकन से शुरू करके केजीएफ का टोटल कंट्रोल लेके वो 10 गुना बढ़ गया, पूरे पे कब्जा कर लिया। लेकिन उसने उस जगह को क्या किया है यह आज तक कोई नहीं जानता। Because forget about going there by road. He didn't even allow commercial flights to fly over KGF. But recently we've received a photo from a MiG-23 Air Force jet doing training drills over KGF. This is what they've sent. History tells us that powerful people come from powerful places. Is that? Yes, ma'am. That is Rocky's KGF. History was wrong. Powerful people make places powerful. There will be no more tolerance. मेरे पास भी हथियार है। Super. समझ में नहीं आया। हम उन्हें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के नाम से बुलाते हैं। वो मुझसे ही बात कर रही है। घुस के मारेंगे। रॉकी को बोल ना हम पावर में हैं ना ही अपोजिशन में। मैडम आई है, वो चुप नहीं बैठेगी, हमें चुप रहना होगा। रॉकी को प्राइम मिनिस्टर की वार्निंग आग में घी डालने का काम कर दिया। रॉकी was now about to execute his biggest plan. पूरा कंसाइनमेंट रोक दो। ठीक सुना, रोक दो। ज्यादा सवाल मत कर, जो बोला वो कर। ये मत सोचो ये सब प्राइम मिनिस्टर के डर से कर रहा है। रॉकी कब क्या सोचता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन सारा सोना रोक के उसने कुछ बड़ा ही सोचा होगा। उसे कैसे रोके पहले ये सोचो। अब एक ही रास्ता बचा है, अधीरा। तुरंत उसके पास जाओ। कहते थे अधीरा पहाड़ों को भी झुका देता है। पहले तुम गरुड़ा से छुपते थे, अब रॉकी से। जितना सोना हमने 25 साल में निकाला वो 2 साल में निकाल चुका है। क्या चल रहा है वहाँ, सिक्योरिटी कैसी है, जगह कैसी दिखती है, कोई नहीं जानता। अब उसकी केजीएफ में कदम रखना भी नामुमकिन है। तुम्हारी जगह वो राज कर रहा है और तुम यहाँ इस गुफा में छुपकर। धीरे बोल, सर फट रहा है। सही कहा तूने, अब केजीएफ में कोई कदम नहीं रख सकता। मुश्किल है, लेकिन मैं उसे वही मारूंगा सबके सामने। हमें तीसरा रास्ता चाहिए, सीधा केजीएफ के बाहर। वो हमारा तीसरा रास्ता है। ये सब तुम कैसे जानते हो? बड़ी गलती हुई कि मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ा वो उसकी आखिरी गलती थी। किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए, इसीलिए पिछले 2 सालों में मैंने हर डिपार्टमेंट में काम करने वालों को पकड़कर ये नक्शा बनाया है। अधीरा ने चट्टानों को झुकाना बंद कर दिया है, अब वो सिर्फ उन्हें तबाह कर देता है। टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी काम करो, काम रुकना नहीं चाहिए। पर वो 5वीं माइल में ब्लास्टिंग के वक्त 18 लोग घायल हो गए।
पता नहीं वो फिर से काम कर पाएंगे या नहीं। उनको पैसे देकर भेज दो, हट्टे कट्टों को रखो, काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ ठीक है, वरना उन सबको नीचे माइंस में ले जाकर शूट कर देंगे। गरुड़ा की तरह तुझ में और गरुड़ा में कोई फर्क नहीं है। लालच तुझे भी आ गया है, पूरे देश के खिलाफ जा रहा है और उसके भी खिलाफ। लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। वो तुम्हारे केजीएफ को मिटा देगी, तुम्हारी ख्वाहिशों को भी खत्म कर देगी। तुम्हारे भरोसे जो जी रहे हैं वो रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। इनकी बेड़ियों को तोड़ने वाला भी तू है, इनको फांसी चढ़ाने वाला भी तू है, लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। बताओ क्यों कर रहे हो ये सब? बोलो किसके लिए कर रहे हो सब? बाल किसके लिए कर रहा है? पता नहीं आगे सोना मिलेगा या नहीं। क्लोज करके वर्कर्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। हेलो, क्लास में अगर मास्टर ना हो तो बच्चे बेंच पर चढ़कर नाचने लगते हैं। ऐसी हो गई आपकी? हेडमास्टर की पोस्ट के लिए आपके नाम की एक अर्जी डाले हैं। We have issued notices to the respective banks. We also contacted other financial institutions. And we'll... Madam, आपको देखने के लिए कोई आया है? Not now, Arijit. No more appointments for today. Madam, it's Rocky. कॉल है, अधीरा को तीसरा रास्ता मिल गया। जंग खत्म हो गई, कोई दुश्मन नहीं बचा। अब कहाँ जा रहा है वो? अभी एक जिंदा है ना? एक गांव की कहानी सुनाती हूँ। एक बार उस गांव में कुछ लुटेरे आए, उन्होंने एक घर का कब्जा किया। गली के लोगों ने कुछ नहीं किया बिकॉज इट वॉज नॉट देयर प्रॉब्लम। फिर उन लुटेरों ने पूरे गांव का कब्जा किया। उसी सबका ध्यान तेजी से घूम रही लट्टू पर ही था, लेकिन उसे घुमा रही डोर पर किसी का ध्यान नहीं था। देयर वॉज अ मास्टर माइंड बिहाइंड ऑल दिस एंड रॉकी वॉज गोइंग टू गेट रिड ऑफ दैट मास्टर माइंड। आज भी कोई एक ऐसा आया है जो पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। I am going to make it my problem. एक तरफ से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। सूर्यवर्धन ने केजीएफ को जिस वक्त गरुड़ा के हाथ में दिया उसी वक्त उस अनजान हाथ की साजिश शुरू हो गई। लोग समझे थे अधीरा ने गरुड़ा पे अटैक किया, लेकिन उसके पीछे यही हाथ था। गरुड़ा ने अधीरा पे अटैक किया और अधीरा बच गया, उसके पीछे भी यही हाथ। रॉकी ने केजीएफ को अपने कंट्रोल में लिया, इसलिए अधीरा को बुलाने वाला, अधीरा को किस समय दिखाने वाला भी यही हाथ था। माइंड नंबर तीन को ओपन हुए 30 साल से कॉल है। पावर गिराने वाला, शेट्टी को इनायत खनिल की तरफ झुकाने वाला हाथ भी यही था। रॉकी को केजीएफ का रास्ता दिखाने वाला हाथ भी यही था। रॉकी अब उसी हाथ को काटने गया है।